मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपना कार्यभार संभाले अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ राजनीतिक पन्नों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के शाजापुर में सोमवार 8 जनवरी की शाम को फेरी निकाली गई थी, जिसमें भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए लोगों को पीले अक्षत बांटे जा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके चलते मामले ने हिंसक मोड़ ले लिया और एक व्यक्ति घायल हो गया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया था। इस घटना के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्य आरोपी के अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा करवाई। इसमें जिला प्रशासन मुख्य आरोपी के यहां बुलडोजर लेकर पहुंचा, जहां उसके अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस कार्रवाई के दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे, उसके लिए पुलिस बल भी पर्याप्त संख्या में उपस्थित रहा। वहीं SDM शाजापुर नरेंद्रनाथ पांडे ने बताया कि पथराव की घटना से तनाव की स्थिति पैदा हुई थी, जिसके बाद मुख्य आरोपियों को जेल भेजा गया है और अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। पथराव की घटना होने के पश्चात क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस संबंध में पुलिस प्रशासन एवं नगरपालिका द्वारा लगातार प्रयास करते जा रहे थे और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा जा चुका है। इसमें एक प्रमुख आरोपी द्वारा अवैध निर्माण किए जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। नगरपालिका द्वारा नगरपालिका अधिनियम के प्रावधान अपेक्षित जांच के पश्चात कार्यवाही की जा रही है। इस मामले में कुल 24 लोगों पर नामजद और 20 अन्य पर प्रकरण विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया था। अब तक 9 आरोपी हिरासत में लिए जा चुके हैं।